भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बदलवी परिस्थितियों में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ, और अगर मैं बात करूँ मैं इन खुले फुटपाथ पर बात करने की, तो कोई लगभग मार्च की वो तारीख रही होगी 12 या 13 या 14 जब मैंने बात की थी आपसे इन ऐसी परिस्थिति में, लेकिन चीज़ें यहाँ बदल चुकी हैं और मैं एक बार लखनऊ में फिर से मौजूद हूँ, लेकिन बड़े दूर दूर लोगों के साथ, बड़े दूर दूर स्थितियों पर खड़े हुए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अभी तक स्थितियाँ बेहतर हैं और सुधरी हुई नज़र आ रही हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है, सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, लेकिन अब केसेस दिखाई भी पड़ रहे हैं और निकले भी हैं। लेकिन आज जिस पर हम, जिस मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं, वो बड़ा चिंता का सबब है, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और उसी पर बात करेंगे। जी हाँ, मैं विकास दुबे की बात कर रहा हूँ। वो अपराधी, वो शख्स, कहने में कहीं कोई संकोच नहीं होना चाहिए, वो अपराधी, वो शख्स कैसे बचता रहा सिस्टम से? क्या आज जो किया उसने, वो सिस्टम एक बार फिर से नजर आया कि वो कमजोर है कहीं? आज इसी पर बात है और इसी पे बात करने के लिए लोग भी हैं, बातचीत भी करेंगे और हम तारुफ भी कराएंगे। ओपी मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। आपके पास मैं स्वयं आऊंगा, आपको कहीं मूवमेंट की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, मैं आपके पास आऊंगा, आप यहां से हिलेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ उदयवीर जी मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के, मैं आपको और उसके बाद जनता, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे भाई, थोड़ा दूर दूर खड़े होंगे आज, थोड़ा दूर आइए, लगा लेंगे हम, ये लगा लेंगे, नहीं पहचान में आया ज्यादा अच्छा है, लगा लेंगे, थोड़ा दूर दूर दूर। मैं डेढ़ डेढ़ मिनट आप तीनों को देता हूं, मिश्रा जी मैं डेढ़ डेढ़ मिनट आपको देता हूं, और मैं जवाब, सवाल मेरा यही है कि जो आज दिखा वो शासन की ताकत है जिसके आगे वो नतमस्तक हुआ या सरेंडर हुआ सिस्टम, ये पहला सवाल। उत्तर प्रदेश सरकार की और पुलिस की नाकामी, कायरता है, नकारापन है, मध्य प्रदेश सरकार की मिलीभगत है, क्योंकि कोई अपराधी अपराध करने के बाद जो मैक्सिमम चाहता है वो ये चाहता है कि अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से वो सरेंडर कर दे और न्यायिक कस्टडी में चली जाए ताकि पुलिस के सवालों से बच सके। पूरा उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस दिन से ये घटना हुई उस दिन से लगातार इसी यही दावा कर रही थी कि हमारी 50 टीमें लगी हैं, पूरे प्रदेश मॉनिटर्ड है, वो पीसीओ टोलों को पार करता हुआ, हजारों किलोमीटर चलता हुआ, अपनी गाड़ी, अपनी मोबाइल सब चलाता हुआ बाकायदा आराम से गया, दर्शन किया, दर्शन करके आया और सरेंडर हुआ। और इसमें बहुत बड़े स्तर के मध्य प्रदेश सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े अधिकारी और बड़े नेताओं का संरक्षण है, वरना कोई अपराधी पुलिस के लोगों को इस तरह मारकर स्वतंत्र रूप से सरेंडर नहीं कर सकता। उदयवीर जी समाजवादी पार्टी का रुख रख रहे थे, पहले अपोजिशन, देन वी कम टू यू। जी देखिए, एक बड़ा पुराना एक शेर था कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। क्या बात है। तो आज की डेट में मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है, और इसीलिए इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में अपराध किया हुआ आतंकी, फरीदाबाद हरियाणा में भाजपा की सरकार में भागा हुआ आतंकी, उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार में, भाजपा की सरकार में नरोत्तम मिश्रा के यहाँ पर, गृह मंत्री के यहाँ पर, जो गृह मंत्री 2017 में यहाँ कानपुर के 10 चुनाव क्षेत्रों के सह प्रभारी थे, उस वक्त हो सकता है कोई सेवा विवाह ली हो, हमें नहीं पता, लेकिन मैं, आप जो लगाएंगे इल्जाम उसके बाद तथ्य आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये न्यायिक मामला है पूरा, जो भी आप कहेंगे, ऑफकोर्स हम कम कंटिन्यू, लेकिन जो बात कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको टाइम दिया है 1.25 मिनट का, तो आप जो भी कहेंगे तथ्य के साथ, पूरे तथ्य के साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ, तो ये उनको पता करना पड़ेगा। तो सच बात ये है कि इस समय विकास दुबे ने नहीं सरेंडर किया है, इस समय ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने सरेंडर किया है विकास दुबे के सामने। इतिहास में पहली बार हुआ है कि भगवान श्री महाकाल के मंदिर में अपराधियों के सरेंडर कराए जा रहे हैं, भगवान श्री महाकाल के उसमें चुकता की गोली ना चल पाए। मिश्रा जी आपका जवाब। देखिए 1.25 मिनट आपके। उत्तर प्रदेश की पूजनीय योगी जी महाराज की सरकार का इकबाल है, जिस तरह से अपराध करने के बाद वो भाग रहा था और भागता जा रहा था, और उसके साथ ही
पांच साथी उसके मारे जा चुके थे, सात साथी गिरफ्तार थे, वो लगातार भाग रहा था और पुलिस उसको फरीदाबाद में ट्रैक कर चुकी थी, वहां से भागा और जाके उज्जैन में वो पकड़ा गया है। ये हमारे योगी सरकार का इकबाल है जो आज वो पकड़ा गया है और लगातार भाग रहा है। उसको पता है कि मैं ये अपराध करके कहीं भाग नहीं सकता और हमें पुलिस को देना ही देना है, पुलिस के सामने आने जाना है। वो उज्जैन में पकड़ा गया और ये सरकार का इकबाल है बिल्कुल, वो कहीं नहीं भागता था। पूरा एसटीएफ पूरा अमला उसके पीछे था और महाकाल में जाके उज्जैन में जाके वो वहाँ पकड़ा गया है और उसको सिस्टम की ताकत के आगे तो सिस्टम का ताकत है, नहीं तो वो कहाँ सरेंडर करता। सिस्टम का ताकत है कि वो वहाँ से भागा है, सिस्टम का ताकत है कि अपराध करने के बाद वो क्षेत्र वो भाग नहीं पाया, उसको पकड़ा गया और उसको वापस और उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, उसे कितनी सजा दी जाएगी जी। 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार में इसी ने थाने के अंदर हत्या की थी और इसी तरह सरेंडर किया, सारे सबूतों से छेड़छाड़ की और बाइज्जत बरी हुआ। भाजपा के लोगों से पूछिए कोई अपराधी सरेंडर करने से ज्यादा क्या मांगता है जी। आप उसको अपराधी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ विकास यादव समाजवादी पार्टी का नेता गिरफ्तार हुआ है, वो समाजवादी पार्टी का नेता गिरफ्तार हुआ है, वो अपराधी के साथ समाजवादी पार्टी का नेता है उसका। और किसी की माँ झूठ नहीं बोलती, उसकी माता जी ने माना है कि हमारा बेटा भाजपा कि हमारा नेता सपा का नेता है, उसकी जो उसकी पत्नी है वो हाजिरा सदस्य रही है और सदस्यता लिया है, 20,000 रुपए का चंदा देकर सदस्यता ग्रहण किया है, उसकी सदस्यता रसीद सब कुछ जानता है। पूरा देश देख रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ कैसे लिंक है, कैसे निकल, वो समाजवादी पार्टी का नेता है, मैं कहूंगा अपराधी है। और इस मुद्दे पे मैंने आज बात करी अखिलेश यादव से, मैं बताऊंगा, मैं उनको भी लेके उनकी भी बात है उनको लेके आऊंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं। ई बिलास साहब, समाजवादी पार्टी के संविधान में किसी को आजीवन सदस्यता कोई प्रावधान नहीं है, वो एक मैगजीन का आजीवन सदस्य है, उस मैगजीन के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य संजय सेठ भी हैं उसके है। नहीं मैं सवाल ये नहीं है, माता जी कुछ बोले, हम कह रहे हैं उसके कॉल डिटेल सार्वजनिक करिए, बताइए सीडीआर निकालिए, कौन उसे बचा रहा है, कौन उससे बात कर रहा है, कौन उसके साथ है, और तुम्हारी पूरी पार्टी के फोटो सपा नेता के साथ क्यों है, और अगर वो किसी का नेता हो आप पकड़ के जेल में क्यों नहीं डाल पाए। सवाल ये है, आपको जेल में डालना चाहिए था, आपको एनकाउंटर करना चाहिए था, क्यों नहीं कर पाए, सवाल ये है। एनकाउंटर जी, देखिए अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग विषयांतर करने में माहिर है, पहले तो इन्होंने विकास दुबे को विकास यादव बता दिया, दूसरी चीज अगर वो अपने घर में न्यूज 18 इंडिया का चैनल सब्सक्राइब कर रहा होगा तो कहेंगे विकास दुबे के जो है न्यूज 18 से संबंध है, आपके सामने है, मैं आपको बता रहा हूँ कि चैनल भी सब्सक्राइब करे, कोई किसी की किताब सब्सक्राइब करे तो वो उसका आतंकी हो गया। 2001 में जब संतोष शुक्ला, ये तो सच है, नहीं मैं अब बहस में मैं हिस्सा आता हूँ, ये तो सच है, ये जनता खड़ी है मौजूद है, मैंने भी आज बात करी कि कोई इतना बड़ा अपराधी क्या सिस्टम से ज्यादा बड़ा अपराधी हो गया, इतना बड़ा 30 मार का। सुनिए मैं जवाब चाहता हूं कि 60 से ज्यादा मुकदमे उस आदमी के ऊपर और वो बचता रहा, शर्म आनी चाहिए, कैसे बच गया, ये सवाल मैं यही सवाल जानना चाहता हूं जी। 2001 में थाने में घुस के संतोष शुक्ला का उसने हत्या किया, उसके बाद वो जेल में गया, हमारी सरकार थी, उसके बाद वो जेल गया। और सुनिए 2005 से 2007 तक बसपा की सरकार थी, क्या हुआ 7 से 12 सपा में क्या हुआ, 17 में हमने 2 बार जेल भेजा और 3री बार दबिश करी है, तो वहाँ पे आज ये कांड हुआ है, हमारी दबिश में कांड हुआ है, सपा चुप थी, सपा ने सदस्य बनाया, उनको चुनाव लड़ाया, पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनाया है। समाजवादी पार्टी ने कोई जिला पंचायत का चुनाव पिछले 2 महीने से टिकट पे नहीं लड़ा, किसी को नहीं लड़ाया, सब लड़े। दूसरी बात, ये जो दावा कर रहे हैं 2001 में, उसकी माँ से क्या मतलब, कागजों से बात करिए ना, उसकी माँ ने क्या बोला, पार्टी की सदस्यता सदस्यता से होती है कि किसी की माँ के कहने से होती है। सवाल ये है 2001 में जब हत्या हुई, 2001 में जब उसने हत्या की, आपकी सरकार थी, आपको गिरफ्तार करना चाहिए था, जो सबूत आज छोड़ दे रहे हो उन्हीं पर तो कार्रवाई होगी, जो सबूत आज छोड़ दे रहे हैं उन्हीं पर तो कार्रवाई होगी। देखिए आगे आप आगे, आपके बगैर तो डिबेट ही नहीं होती है यहाँ पे, कैसे हैं? ठीक है। अरे स्वास्थ्य स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं एकदम, कैसे हवा गति करे घूम रहे हैं, कोरोना फ्री है, बहुत अच्छी बात है, सब ठीक है, सब बढ़िया भैया, हमने आपको देखा नहीं तो मेरा भी थोड़ा सा लग रहा था, सब ठीक है, सब बढ़िया भैया। हाँ बोलिए,
मैं ये कह रहा हूँ, जब विदेश में 2001 में वो हत्या करके गया, जब उसके बाद मायावती जी की सरकार आई तो 15 साल भाजपा की सरकार नहीं थी उत्तर प्रदेश में, तो जो 15 साल जिन्होंने शासन किया उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? मेरा दूसरा प्रश्न है, जब मायावती जी की सरकार आई तो उसका भूमाफिया में उसने जो कब्जा किया उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जिस समय तुम उसका महिमा मंडन कर रहे हो, नहीं अपराधी का महिमा मंडन गलत है। समाजवादी पार्टी के खर्चे पे, सरकारी खर्चे पे उसको गनक दिए गए थे, सरकारी खर्चे पे क्यों गनक दिए गए थे अगर वो हत्यारा था? इसका जवाब देना समाजवादी पार्टी वाले, और पांच हरिदास मार्ग पे सम्मानित किए जाते थे यही अपराधी। फोटो बहुत सारी आई हैं। नहीं, अब फोटो से तो हमारी आपकी भी फोटो हो जाएगी। तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं अपराधी हूँ? वो तो बाद में कोई भी निकल सकता है भाई साहब। बड़ा तर्क याद आ गया तुम्हारे, गजब है भाई। अपराधी नहीं था जब फोटो आए, तो अपराधी नहीं था वो जब फोटो खींचे नहीं आए, प्रदेश अध्यक्ष के साथ तुम्हारे फोटो है वो अपराधी नहीं था। सवाल ये है, पूरी समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान, अरे चिल्लाइए मत, चिल्ला के बहस नहीं होती, चिल्लाते वो है जिनका तर्क कमजोर होता है, चिल्लाते वो है जिनका तर्क कमजोर होता है। आप देखिए, विकास दुबे के केस में गुड्डन त्रिवेदी वांटेड है, उसकी फोटो किसकी बात है? अखिलेश यादव के साथ है, विकास दुबे के साथ है, समाजवादी पार्टी के मंत्रियों के साथ है, पूरी टीम। अब उसकी माता जो कह रही है झूठ बोल रही है, आप बताइए इनकी माता जी बोलेगी कि भाजपा में है? कभी बोलेगी क्या? उसकी माता जी बोल रही है हमारे बेटा सपा में, तो सपा में है। बहस बहस माता जी के बयान पे नहीं रुकनी चाहिए, बहस ये होनी चाहिए कि वो अपराधी अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया, अपराधी पकड़ा क्यों नहीं गया, और क्या कारण था कि वो मध्य प्रदेश तक चला गया? अगर उसको जो है यहीं पे गिरफ्तार कर सकते थे, दो रोज कानपुर में वो रहा, उसको गिरफ्तारी नहीं हुई, ये प्रदेश सरकार की आक्रमणता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं आपसे प्रतिदिन में बात करी कुछ लोगों से, मैं चाहता हूँ कि जरा वो दिखाया जाए जो लोगों की प्रतिक्रिया है, वो क्या कह रहे हैं। मैं आता हूँ आपके पास भी आता हूँ, लोग क्या कहते हैं जरा सुनना चाहिए, सड़क पर क्या चर्चा है, वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और इस घटना से। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया भाई जी। जो विकास की घटना हुई, जो उसने आज सरेंडर किया, उस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या, आप क्या सोचते हैं एक नागरिक को लेकर? हमारे हिसाब से उसका एनकाउंटर कर देना चाहिए, क्यों? कानून व्यवस्था तो है, कानून है उसके साथ, व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन जो है उसने जो ये घटना की पुलिस वालों के साथ, ये हमारे नजरिए से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लिहाजा एनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर होना चाहिए, क्या इनकाउंटर होना चाहिए, कानून से उसको सजा मिले, वो नहीं कानून से सजा मिलनी होती तो अब तक सजा उससे मिल जाती। सही है। क्या नाम है साहब आपका? सर अजमल नाम है। अजमल, आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में? पहले आप देखिए, घटना तो निंदनीय है सबसे पहली बार, इतना ऐसे ये जरूरत कैसे इस इंसान के अंदर आई, ये सबसे बड़ी चीज ये होती है कि योगी जी की कानून व्यवस्था इतनी अच्छी लोग कह रहे हैं, हम भी मानते हैं कानून व्यवस्था अच्छी है, लेकिन इनको कम से कम इतनी जरूरत कैसे हो पाई, एक इंसान के अंदर इतनी दरिंदगी कैसे आ पाई? अभी तक इतने केसेस उसके दर्ज हैं थानों में वहाँ के, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी अभी तक? सवाल यह कि उसे कहा कि पॉलिटिकल संरक्षण मिला हुआ, उसे पॉलिटिकल सरपरस्ती है। सर देखिए, ऐसा है कि योगी जी की जो है लाइन ऑर्डर बहुत कमजोर है, ठीक है, इसलिए अभी तक इतना डिले हुआ, और जो भी हुआ वो आपके सामने ही है, और लोग जो है खुलेआम इस तरीके से दरिंदगी कर रहे हैं, लोग जो है पुलिस वालों को शहीद कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि कानून व्यवस्था ढीली, कानून व्यवस्था ढीली बहुत ज्यादा। ये तो इसमें तो दो राय है नहीं कि कानून व्यवस्था ढीली है, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन टीम ने क्या किया, वो कहाँ थी, इतने देर में मामला क्यों, जबकि वो मामला उसी समय सॉल्व किया जा सकता था, इतने समय क्यों लगा अभी ये मामला? मतलब आपका कहना है कि वो सरेंडर इतने दिनों बाद कैसे हुआ, उसको पहले पकड़ लेना चाहिए। जी 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 जी, इंटेलिजेंट अब वहाँ पहुँच सकती है, तो अभी तक वो क्या कर रही थी, इनपुट क्यों नहीं मिल रहे थे उसको? कभी उसको बिहार बॉर्डर पे बताया जा रहा था, कभी कचरेना बताया जा रहा था, कभी मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे, अभी वही मध्य प्रदेश के बॉर्डर के अंदर मिला है, तो उसमें कोई ना कोई तो मिली भगत था ही है, कोई ना कोई मिली भगत है। क्या नाम है साहब आपका? हाँ जी, मास्क लगा रहे, लगा लीजिए जी बाबू जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? विकास यादव, अरे सर क्या प्रक्रिया, अब वो तो कानून व्यवस्था, कानून का जो माखौल उड़ाते हैं, ये तो एक तरह से माखौल ही उड़ा रहा था ना सर, अब वो पकड़ा ना जाता वो होता सीधे ज्यादा अच्छा था, है? सीधे एनकाउंटर होता, एनकाउंटर करते ज्यादा सही था। और मतलब आपको ये लगता कि ये वो लोग हैं
आठ लोगों को एकदम से जिनका जिनका हाजी आठ लोगों को मार दिया उनके परिवार वाले, वो भी पुलिस वाले, वो भी पुलिस वाले, आपका कहना है कि ऐसे लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कानून व्यवस्था फिर होती है, सवाल उठाया जाता है कि कानून है फिर, न्याय है तो कानून उनके लिए अगर है तो उनके लिए भी होना चाहिए, कानून तो सबके लिए होना चाहिए ना भाई। ये वो लोग है जो जनता है, जनता सोचती है। आपकी प्रतिक्रिया विकास दुबे को लेकर? जो भी हुआ वो सही हुआ, विकास सही हुआ, समाज के लिए, समाज के लिए वो अलग सा अभिशाप ही बनता जा रहा है। ठीक किया, जो भी हुआ सही हुआ। सजा जल्द से जल्द? सजा तो कोर्ट के अनुसार होगी। आपको लगता है कोर्ट के हिसाब से होनी चाहिए? ऐसे लोग फायदा उठाते हैं सिस्टम का? सिस्टम भी जागरूक है, सिस्टम का फायदा नहीं उठाया जाएगा, जागरूक का। आम लोगों से प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी। विकास दुबे का सरेंडर, सिस्टम में उसका इतने दिन तक सर्वाइवल, कैसे आपको क्या लगता है, आपकी प्रतिक्रिया? आई डोंट नो हिंदी प्रॉपर। अरे तो आई के काम करी करी मैं जा रहा हूँ। आप यू जस्ट हैव इट बन योर बन एन हाँ भाषा। मैं एक बार फिर से यहाँ पे मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए और तमाम लोग मौजूद। जी मैं आपसे फिर से शुरू करता हूँ। एक है अपराधीकरण और एक तरफ है अपराधों का संरक्षण और उसके बाद उसका महिमा मंडन सोसाइटी में। ये बाबूजी कैसे हैं आप? कैसे हैं आप पंडित जी? बहुत बढ़िया। मैं आपको देखा, मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच। यही तो मुश्किल है आजकल, सबसे बड़ी बात यही है आजकल। मैं बोलूंगा अभी मैं जरूर, मैं जानना चाहता हूँ। किसी ने मुझे आज व्हाट्सएप भेजा कि मारने वाला वो था, मरने वाला वो था, इत्तला कर देने वाला, जानकारी दे देने वाला भी वही था। और मैं जानना चाहता हूँ इस सिस्टम में ये क्यों घुन है। मिनिस्टर और सब क्या बोल रहे हैं, हमको बताए सरकार। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये क्या है, ये कैसा सिस्टम है कि जाति व्यवस्था में चलेगा सिस्टम। जी आपको यही मुश्किल है इस देश का, मैं जानूंगा। मैं कह रहा हूँ लोग बड़ी सिंपैथी दिखा रहे हैं अपराधी की माँ के बयान पे। जो सीओ मारा गया, जिसको काट डाला गया, उसका परिवार कह रहा है बहुत घृणित कार्य है। सर वो शब्द भी इस्तेमाल मत करिए, मैं माफी के साथ कह रहा हूँ, शहीद है। उस शहीद के लिए ये कहा जा रहा है, उसका परिवार कह रहा है कि हमारे मृतक शहीद सीओ साहब कह रहे थे पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, उस अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसके भाई कह रहे हैं कि हमें पुलिस पे विश्वास नहीं है, हमारी सीबीआई जांच चाहिए, इस पे कोई जवाब नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं कि निकालिए सीडीआर की, वो जब से अपराध किया है और इस पिछले 5 साल में किस किस से बात कर रहा था, इस पे कोई जवाब नहीं है। केवल हल्ला करके बहस को खत्म करना चाहते हैं। अगर सिस्टम सुधारना है तो बहस को खत्म नहीं करने की कोशिश करिए, अपनी गलती मानिए और सिस्टम में जो जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई करिए। मैं आया, पहले इनको जवाब दे दीजिए। जी देखिए, देखिए सीबीआई जांच की बात करते हैं। देखिए पूरी जांच हो रही है, चौबेपुर थाना पूरा का पूरा लाइन हाजिर हो गया है। एक एसओ और थाना प्रभारी के शर्मा, विनय तिवारी गिरफ्तार हैं। इतने सारे पुलिस पे कार्रवाई हो रही है, वहां के एसएसपी के खिलाफ भी जांच चल रही है, जो उसमें वर्तमान एसएसपी थे। तो लगातार जांच चल रही है, एसटीएफ जांच कर रही है, सरकार का पूरा अमला जांच कर रहा है और सरकार किसी को बख्शने नहीं जा रही है। ये समाजवादी पार्टी के गुंडों की सरकार नहीं है, ये योगी जी के इकबाल की सरकार है। सवाल आया, बहुत दिनों बाद आया भाई जी। कैसे हैं हुजूर अली? ठीक, क्या चल रहा है आजकल? फर्स्ट क्लास। अरे कोरोना तो है ना? कोरोना तो पूरे देश में है। हाँ जी, क्या नाम हो गया आपका सर? प्रमोद यादव। प्रमोद जी कैसे हैं बताइए? फर्स्ट क्लास। बोलिए, अब मैं क्या बोलूं? जो क्यों अब ऐसे में तो बोलेंगे, पूरा देश त्राह त्राह कर रहा है। और जब क्यों, यहाँ तो अपराधी थर थर कहाँ पर रहा, तो आप कह रहे हो कि क्यों कहाँ अपराधी भाग रहा है यहाँ छोड़ छोड़ के, मध्य प्रदेश वर्दी पहने इनकी पता नहीं जिंदगी कितने देर कितने। ऐसा ना कहिए भाई, इनसे पहले तो मैं ही आ जाऊंगा सामने। यही हो रहा है, अब मुझे कहना नहीं चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? आप मीडिया वाले जान रहे हैं कैसे गिरफ्तारी हुई, कैसे सिलेंडर हुए। मुझे बोलते हुए दिखाई दीजिए यादव जी, मुझे बोलते हुए दिखाई दीजिए। ये नहीं कोई घर में बैठ के करने वाला शो है। अच्छा। ना 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 ना, बोलते हुए दिखाई, अगर बोल नहीं पा रहे और जवान नहीं है तो वेट करिए, मैं फिर आऊंगा, फिर तो तैयारी करिए। आता हूँ वक्त है, छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूँ। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं मौजूद हूँ इस समय शर्मा टी स्टॉल लालबाग लखनऊ में। लगभग मार्च 13-14 के बाद अब एक बार फिर से मैं फुटपाथ पर मौजूद हूँ, लेकिन तमाम
सारे नॉर्म्स और सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम सारे मास्क के साथ, चेहरा किसी का नहीं पहचान में आता, लेकिन ठीक है, बातचीत का सिलसिला तो समय। मुद्दा सामने है, लिखा हुआ है, इबारत साफ है, कानून व्यवस्था पे सवाल पे बातचीत थी। एक शख्स सिस्टम को क्या बेवकूफ बनाता है, क्या इतना बड़ा शख्स है और जाके दूसरे प्रदेश में सरेंडर करता है। लोगों ने कहा कि कानून व्यवस्था टाइट है, अपराधी भय में है, उसको लगता है कि कुछ भी हो सकता है इस प्रदेश में, लिहाजा वो डरा हुआ है। इन तमाम सारे सवालों के बीच में राजनीतिक संरक्षण का भी सवाल है कि आखिर कौन किसका संरक्षण कर रहा है। इतने लंबे समय तक वो सर्वाइव कर गया, कैसे कर गया? उन्होंने तो कहा कानून है आपका, तो उन्होंने कहा कि अगर कानून है तो क्या कानून का इस्तेमाल भी किया जा सकता है? और ये सवाल है, बड़े सवाल है, इन्हीं को लेकर मैं मौजूद एक बार फिर समाजवादी पार्टी देन कांग्रेस। जी, जब भी भाजपा सरकार रही उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े कांड किए। अगर उसका किसी से राजनीतिक संरक्षण है तो मैं बार बार पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसकी सीडीआर फोन की 6-5 साल की क्यों जारी नहीं करते? सीडीआर मतलब जो उसका फोन कॉल रिकॉर्ड है। और दूसरी बात, जब उसके शहीद के परिजन कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराइए, सरकार भी कह रही है कि इसी पुलिस के लोग उससे मिले थे, तो सीबीआई जांच कराने से किससे डर रहे हैं, किसके एक्सपोज होने का खतरा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं कर रहे सीबीआई जांच? देखिए, विकास वाली बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए ये सिस्टम विकास पैदा कैसे करता है? प्रतीक भाई, आप जिस सरकार में 20,000 अपराधियों के मुकदमे 20,000 मुकदमे 2017 में वापस लिए जाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री के अपने आपराधिक मुकदमे होंगे, वो तो क्राइम के लिए सबसे सुरक्षित जगह होगी ना उत्तर प्रदेश, जहां की सरकारी। आप ये कहते हैं कि अपराधी यहां पे भयमुक्त है? बिल्कुल, पूरी तरीके से जनता भययुक्त है, पुलिस भययुक्त है, पुलिस धर धर कांप रही है और अपराधी भय मुक्त है। इसे कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट या पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे? मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, और मैं आपको मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि ये सरकार जब बनी उसने कहा कि कानून व्यवस्था पर ही हमला आएंगे सबसे पहले, तभी तो उन्होंने 20,000 अपराधियों के मुकदमे वापस लिए। 2017 में हमारी सरकार बनी, हमने कहा था उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे, उसकी तरफ बढ़े। 2017 से लेके अब तक 114 अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है, 300 अपराधियों को पैर में गोली मारी गई है, 3,000 से ज्यादा को जेल में डाला गया है। आप बताइए कि 2012 से 2017 तक जब समाजवादी पार्टी के गुंडों की सरकार थी तो कितने अपराधियों को इन्होंने इनकाउंटर किया था, कितने अपराधियों को जेल दिया था, कितने अपराधियों को? ये अपराधी बनाते हैं, हम अपराधियों को मारते हैं। हमारी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ यहाँ काम किया है, और जब हम अपराधी को मारते हैं तो ये सवाल उठाते हैं कि क्यों मार रहे हो, ये छाती पीटते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग। यही कांग्रेस है जो 17 में चुनाव लड़ी है। सवाल का जवाब नहीं आया, सीबीआई जांच क्यों नहीं चाहते, कॉल डिटेल। और दूसरी बात, पहली बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना जिस पे 20-20 मुकदमे थे, उप मुख्यमंत्री में 18। आप उठा के, मैं कॉरपोरेट से हूँ, आप उठा के टॉप 10 के आज की डेट में हिस्ट्री सेक्टर की लिस्ट देख लीजिए, किसके सरकार में वो संरक्षण पाए हुए हैं देख सकते हैं आप। स्टार्टिंग से लेके आप जितने देखिए, ये योगी सरकार का ये आकांत था कि वो छछूंदर की जैसे भाग रहा था। सर, सपा सरकार में तो जेल मंत्री थे गुंडे लोग, अब यही पूछ लीजिए। कोई बात ऐसी करेंगे, देखिए मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, अगर जो बात कहेंगे वो तर्कसंगत बात कहेंगे, ऐसा नहीं, ऐसे इल्जाम नहीं लगाएंगे, कोई इल्जाम नहीं। जी बाबू बेटा, ये बताइए पहले, मैं आप सपा कांग्रेस बीजेपी के जो लोग हैं, नेता है कार्यकर्ता है, ये हमारे देश में ये अपराधियों के खिलाफ राजनीति क्यों होती है? यही बेसिक सवाल है, समझ रहे हैं? हमारे जवान मरे तो राजनीति, ठीक है, पुलिस मरे तो राजनीति, अपराधी को केवल सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सबको एक साथ होना चाहिए, अपराधी को अपराधिकता देखना चाहिए। क्या नाम है आपका? आरिफ हुसैन। आरिफ भाई, आपकी बात तो लाना सही है, अपराधी है तो उसको अपराधी की तरह देखा जाना चाहिए। कहेगा संरक्षण उसका? कहेगा संरक्षण, वो अपराधी है उसको सजा मिलना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो नेता हो चाहे कोई हो, संरक्षकों को भी मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल जी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं लोग, इसको जो है सही नजरिए से देखते ही नहीं बिल्कुल भी। नहीं, आज तो हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, आज हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, अभी नहीं हो रहा है ना इस वक्त। अगर नहीं को क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं? ये समाजवादी बताए ना, रामगंज कांड क्या हुआ था वहाँ पे, जब एक एसओ एक एसपी को मार दिया गया था सगे आम, उस पर क्या कार्रवाई की थी इन्होंने अपने नेता पे? ये सिर्फ और सिर्फ
पॉलिटिकल बात नहीं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं, कोई पॉलिटिकल बात नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कई लोगों को लेकर चलते हैं, जिस राम ब्रिज की बात कर रहे हैं, जिस दिन वो घटना हुई थी उसी दिन उसकी मृत्यु हुई थी और पुलिस ने वहीं मार के गिराया था। वो पांच दिन तक हजारों किलोमीटर टहला नहीं था और फिर उसको भाजपा के संरक्षण वाली सरकार में सरेंडर नहीं कराया गया था, सरेंडर नहीं कराया गया था पुलिस ने। ये तो और भी शर्मनाक बात है कि अपराधी सामने खड़ा है और संरक्षण दे रहे हैं। जो मथुरा कांड हुआ, रामब्रिज कांड हुआ, अपराधी के सामने खड़ा संरक्षण दे रहे हैं। यहाँ तो अपराधी भागा है और पुलिस ने पकड़ा है। मैं एक बात जानता हूँ, मैं यादव जी आ रहा हूँ, यादव जी आ रहा हूँ, यादव जी एक काम करो, ये अंगोछा लगाओ पहले। मैं आ रहा हूँ। सीबी जांच हुई, मुझे मालूम है सीबीआई जांच हुई, मुझे मालूम है। सपा का संरक्षण निकला, भाजपा की सरकार में जांच हुई और उसमें श्रीकांत शर्मा प्रवक्ता। मैं आ रहा हूँ, देखिए भैया तुम मैं बताओ, मैं अभी एक मिनट आता हूँ, तुम ना बताओ मैं आता हूँ। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, अपराधी अपराध कर रहा है, संरक्षण पा रहा है और हम बहस काहे पे कर रहे हैं? उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। एक्चुअली में महिमा मंडन कर रहा हूं मैं, और अपराधी मैं भी हो जाता हूं जब महिमा मंडन कर रहा हूं मैं। मुझे सिर्फ 30 सेकंड आप दे दीजिए, मैं आपको फिर एक ही चीज पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी से। जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन बनारस में एक और इससे भी बड़ी शर्मनाक घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत सदस्य था या अध्यक्ष था, मैं नहीं जानता, कोई पटेल था, उसको परिवार सहित वो कहीं जा रहा था, पुलिस वालों ने कहा कि भाई मास्क लगा लो। उस आदमी ने अपने समर्थकों के साथ पूरे थाने की पुलिस को पीटा, कायदे से मारा, जमीन पे पटक पटक के मारा और उसके बाद वही थाना इंचार्ज सस्पेंड कर दिया गया। सुन लीजिए, वो थाना इंचार्ज, वो जब थाना इंचार्ज जब सस्पेंड कर दिया गया तो ऐसी पुलिस का जब मनोबल होगा, आप मुझे बताइए वो पुलिस अपराधियों को पकड़ेगी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैर पकड़ेगी? आप इस चीज को देखिए ना, ये सारी चीजें। आप जवाब दीजिए, मैं आ रहा हूँ बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं चाहूंगा थोड़ा सा दूर खड़े होंगे जी यादव जी, मैं आऊंगा, पहले दूर खड़े हो पहले यादव जी, थोड़ा सा। हाँ आप बोलो, आप बोलो जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री मध्य प्रदेश महाकाल में उसको सिलेंडर कराया गया, पकड़ा गया और वही कानपुर चुनाव पर प्रभारी थे, वही वर्तमान उज्जैन के वो प्रभारी हैं, मंत्री हैं, और वहीं पर इतने आसानी से ये 5,000 रुपए का गार्ड पकड़ लेता है, ये सोचने वाली और सीबीआई जांच करने वाला विषय है। और काल डिटेल क्यों नहीं भाजपा के लोग निकलवाते हैं, निकलवाएं उनका कि समाजवादी संबंधा की बसपा की भाजपा संबंधा उस विकास उपा दुबे का क्यों ना निकलवाते हैं, इनकी सरकार है। प्रियंका गांधी के बस का एक घंटे में निकलवा लेते हैं ड्राइवर से लेकर कंडक्टर तक, उस अपराधी का क्यों नहीं निकलवा लिए? यादव जी चेहरा दिखाओ, अरे बंद करो जल्दी, बंद करो जल्दी, कोरोना चल रहा है। मैं अभी पूछूंगा इनके मुख्यमंत्री अपना खुद स्वयं का अपराधी जो था सब माफ कर दिए। मैं अभी पूछूंगा, ना, वेरी सीरियस इशू है सवाल। मैं आ रहा हूँ। कैसे हैं? ठीक है, बढ़िया। कोरोना के समय में सुरक्षित तो है ना? सुरक्षित बिल्कुल है। क्या चल रहा है आजकल? आजकल तो आप जो कह रहे हैं वही चल रहा है, पहले नेता ए लोग थे, ठीक है, हाँ जी, अब जो नेता हो गए हैं वो देख रहे हैं आप कैसे हो गए हैं। तो कैसे हो गए हैं? इसका मैं एक शेर में पढ़ता हूँ। इसके मैं वाहिद अली वाहिद, सलाम वालेकुम जी। कि चेहरे हैं जिनके खून से काले पड़े हुए, चेहरे हैं जिनके खून से काले पड़े हुए, उन गर्दनों में आज भी माले पड़े हुए। क्या बात है, जिनके खून से काले पड़े हुए, गर्दनों में आज भी माले पड़े हुए, और फैला है जहर मुल्क में, किसको खबर नहीं जो सांप आस्तीन में पाले पड़े हुए। क्या बात है, वाह भाई भाई, क्या बात है, हर मुल्क में। अरे भाई भाई भाई, मैं बहुत देर से बहस कर रहा था, कुछ तरन्नुम मरन्नुम वाली चीज सुना दे। मैं इस शेर को पूरा करता हूँ। हाँ। कि कोई भी सियासत में गांधी नहीं रहा, कोई भी सियासत में गांधी नहीं रहा, जूते ये सरेआम उछाले पड़े हुए। ऐसी स्थिति में अगर कहूँ कि सारे लोग हैं, आप सोशल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कोरोना एक रोग है लेकिन मैं उसको मानवीय दृष्टिकोण से देता हूँ। जल्दी 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 जी, इस दुनिया लो सोच लें, इस दुनिया में हंसना गाना रोना है, इस दुनिया में हंसना गाना रोना है, बीज मोहब्बत के भी हमको
बोना है बीज मोहब्बत के भी हमको बोना है, इन नफरत के कीड़ों को मारो सब मिलकर, नफरत के कीड़ों को मारो सब मिलकर, लगा मोहब्बत में कीड़ा कोरोना है। क्या बात है हुजूर आली, बहुत देर से पॉलिटिकल हो जाता है तुम लोग की हल्ला, जैसे चिल्लाहट है जब हो जाता है तो मेरे दिमाग को सुकून चाहिए होता है। नहीं नहीं सुकून हमें नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए तड़पड़ा रहा हूँ भाग रहा। उन्होंने कुछ सवाल पूछे और वो सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए कांग्रेस के नेताओं की आदत है कि जब जो मुद्दा आता है वहां से वो वहां पर डाइवर्ट हो जाएंगे। इनकी एक नेता है उनका नाम है प्रियंका ट्विटर वाड्रा, तो प्रियंका ट्विटर वाड्रा जब भी ट्वीट करेंगी तो ना दिस इज नॉट फेयर, ना 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 नाम लीजिए, इधर से लीजिए, मैं ये भी लेंगे आपका। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, तो ये उन्हीं के सेनानी है ना, तो जब भी बात करेंगे तो तथ्यों से परे बात करेंगे। तो हमने पिछले बार देखा है कि वो कितना ट्वीट करती हैं और कितना डिलीट करती हैं, वो चाहे किसानों का मुद्दा हो, पाकिस्तान के फोटो को वो यहाँ ट्वीट करती हैं। तो इससे जो इस पर सियासत हो रही है, किस तरीके की भाषा, अगर मैं अमित तड़ी पार साहक हूँ अच्छा लगे। गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, आप चिंता मत कीजिए, आपको भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। गलत है। अगर सरनेम कोई दे रहा है तो आप भी सरनेम दे रहे हैं। किसी भी राष्ट्रीय लेवल नेता का नाम लेने से पहले जितना ट्विटर है वो जिस तरह से बयान देती हैं और अपने बयान से पलटती हैं, तो मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ। तथ्य जो इन्होंने तथ्य रखा है, तो जो इनकी नेता जिस तरह तथ्य रखती हैं और उसको डिलीट करती हैं, उसी तरह भी तथ्य इनके हैं। बनारस का अगर एक भी तथ्य झूठ हो, एक भी चीज मैंने झूठ बोली हो कि बनारस का एसओ सस्पेंड ना हुआ हो, बनारस के एसओ को और बनारस के पुलिस वालों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारा ना हो, उसका वीडियो ना हो, उसमें आप अगर इस तरीके की हरकत ना हो तो मुझे बताइए, जो सजा आप देंगे मैं करूंगा। नहीं है इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है। इसी आज ये पुलिस के बहुत बड़े समर्थक बन गए कांग्रेस वाले, यही कैसक बाग में जब सीए के समर्थन पे पुलिस वालों के ऊपर ईंटे बरसाए गए थे, तब ये लोग आतंकवादियों के साथ खड़े थे, पुलिस वालों को गांगिया बक रहे थे, आतंकवादियों के घर जाके उनकी पैरवी कर रहे थे, पुलिस वालों जो घायल हुए उनको क्या उन्होंने हाल से पूछा जवाब दे। ये हो गया, देखिए आतंकवादी सीए के प्रोटेस्टर आतंकवादी हो गए और अभी कह रहे थे हाँ विनय दुबे आतंकवादी नहीं, भाजपा कह रही है भाजपा कह रही है विनय दुबे आतंकवादी नहीं है, ये भाजपा कह रही है विनय दुबे आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी थे। देखिए तथ्य तो बहुत सारे हैं, देखिए तथ्य तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, फैक्ट हैं। जब इसी सीए अभी हमने पीछे देखा सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ, तो जो मथुरा जो वहां मेरठ में पुलिस वालों को जिन्होंने मारने की कोशिश करी, प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी थी, और इसी लखनऊ में जो पत्रकारों पे हमला हुआ प्रियंका गांधी उनके साथ खड़ी थी। एक मैं आपको रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं, अभी तुरंत आपके चैनल पर और बाकायदा महाकाल मंदिर की सुरक्षा जिस भाजपा सांसद की कंपनी श्री आर के सिन्हा की कंपनी है, उसी के जरिए आतंकी विकास दुबे पकड़ा गया है। उनकी कंपनी है, एसआईएस की कंपनी है, सब जानते हैं, ये पूरे देश में कंपनी चल रही है, एसआईएस कंपनी। अगर कोई प्रवक्ता कह रहा है आपको लगता है झूठा तो बताइए, चैलेंज करिए। मैं कह रहा हूँ आपने अब तक क्यों नहीं बताया कि सीडीआर जारी करने में डर किसका है, और अभी बता दिया विकास दुबे किसका है, नाम तो हमारा ले रहे थे, बता दिया। और मैं ऐसे दूसरी बात और कह रहा हूँ, किस लिए आप परिवारजनों के संतुष्टि से जिन्होंने शहीदों ने अपनी जान दे दी वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लोकल पुलिस पे भरोसा नहीं कर रहे, किसके डर के मारे हाथ पैर कांप रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, क्यों कांप रहे हैं योगी आदित्यनाथ के हाथ पैर? देखिए आज कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की पूरी फेरिस्त कहीं ना कहीं सपा के पास बहुत लंबी है, और सपा ये बात क्यों नहीं बताती कि विकास दुबे का विकास किसके संरक्षण में हुआ, और वो बोला तो नहीं बताया, मैंने बताया ना, वो बताए ना, वो सदस्यता पर बोले, सदस्यता पर बोले, क्यों नहीं बोलते आज जिस तरह से मैं वो समाजवादी पार्टी का न सदस्य है न पार्टी ने उसे चुनाव लड़ाया, ये झूठ है, और अगर ये झूठ सच की बात नहीं है, आज जो संरक्षण दे रहा है उसे
उसे जेल भेजने से क्यों कांप रहे हैं आप? माननीय अध्यक्ष, हमको 30 सेकंड दिया जाए। यही विकास दुबे कानपुर के थाने में माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे और संतोष शुक्ला को गोली मारे थे। यही जब माननीय आदित्यनाथ योगी की सरकार है तो पुलिस वालों को गोली मारे। और कल महाकाल के मंदिर के प्रांगण में डीएम एसएसपी क्या करने के लिए गए थे? कमरे में बैठ के मीटिंग करने, इसको उजागर करें भाजपा के लोग। 2001 में संतोष शुक्ला की हत्या हुई सभी जानते हैं, कोई इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन 2001 में वो जेल गया। सरेंडर 2001 के मुकदमे में किसके समय में हुआ? 2012 से 17 तक किसकी सरकार थी, सपा की सरकार थी, कितने मुकदमे किए, क्या किया विकास यादव का और जिला पंचायत लगाया, उसकी पत्नी को नेता बनाया। भाजपा की सरकार आने के बाद दो बार वो जेल गया, तीसरी बार दबिश में ये कांड हुआ है, तो ये भाजपा के शासन में हुआ है। एक सच और बता देता हूं आपको, 2000 संतोष शुक्ला में बड़ा परेशान है ये लोग, वो भी सुन लीजिए एक सच। 2001 में संतोष शुक्ला की हत्या हुई, वो माना जाता था श्री श्याम बिहारी मिश्रा जी के गुट का। क्या माना जाता था? तो प्रियंका गांधी जी के भी बहुत सी माने जाते हैं, राहुल गांधी को बहुत लोग मानते हैं। राहुल गांधी क्या करते हैं ये सब मानते हैं और सब जानते हैं। पूरी बात ले लीजिए, वो श्याम बिहारी गुट का माना जाता था। प्रेम लता कटियार और उनके बेटे संतोष क्या नाम, इस पे विकास दुबे पर वरद हस्त रखे हुए थे। ये मैं नहीं कह रहा, अमर उजाला की रिपोर्ट कह रही है 2001 की, बाकायदा कहेंगे तो आप भी भेज दूंगा। बाकायदा उस वक्त 7 महीने सिर्फ इसलिए सरेंडर नहीं हुआ कि इन लोगों को ने पूरी थाना कोर्ट कचहरी सारा प्रेम लता कटियार के विकास यादव के का ये स्टेटमेंट है कि अगर उसने सरेंडर किया होता तो मायावती जी उसको टिकट देती। उसके सपा बसपा और कांग्रेस ये जिस तरह के नेक्सस बनाया उन्होंने, जिस तरह का उसने नेक्सस बनाया, उसी नेक्सस का परिणाम है विकास दुबे। मैं आ रहा हूँ। जब किसी अपराधी ने सरेंडर कर दिया, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। कोई भी व्यक्ति अपराधी है, 7 से ज्यादा मुकदमे उस पर दर्ज है, क्या नाम है भैया आपका? मैं आ रहा हूँ। 7 से ज्यादा मुकदमे उस पर दर्ज है, 7 से ज्यादा, वो कैसे सरवाइव कर रहा था ये तीनों पार्टियों को बताना चाहिए, कि वो कैसे सरवाइव कर रहा था ये बताना चाहिए। इन राजनीतिक दलों के चक्कर में पब्लिक परेशान है, और आप ये सोचिए अगर ये कायदे से पुलिस प्रशासन ठोको नीत कहाँ थी, ये ठोको नीत में उसको 3.5 साल में कहाँ थी? मुख्यमंत्री योगी जी की ठोको नीत का हिस्सा वो क्यों नहीं बना? ठोको नीत में उसको क्यों नहीं ठोका गया? 3.5 साल में क्या होगा? अच्छा, ठोको मतलब 3.5 को दिया जाएगा? ना, मैं आया आपका आया, मैं आया, मैं पूछूंगा आपसे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ, बने रहिए। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। नीम और ये गुलमोहर के पेड़ के नीचे बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हुए, लेकिन तमाम सारे फैक्ट्स और नॉर्म्स को पालन करते हुए, दूर दूर खड़े हो भैया। लोग शाम को यहाँ पर, अब आजकल यहाँ दुकान भी लग जाती है, बहुत सारे लोग आते भी हैं, लेकिन वही बस चाय पी के चले जाते हैं। कुछ धीरे धीरे सिस्टम सही हो रहा है। मेरा सिस्टम के मतलब ये है कि चीज़ें जुड़ रही हैं। मैं यहाँ पे मौजूद बातचीत के सिलसिले में, खड़ा रहने दो। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? जी अलकेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सब लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर अपराधी था तो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? और दूसरी बात ये है कि क्या नाम है, पुलिस वाले उसके घर पे गए, उसकी गाड़ी तोड़ी फोड़ी, उसके घर में तोड़ फोड़ की, ये किस लिए, किसने अपराध, किसने अधिकार दिया पुलिस वालों को कि वहाँ पे जाके तोड़ फोड़ करें? अगर वो अपराधी था तो आप रेड डालते, उसको पकड़ते, उसको उठा के ले आते, आप थाने में बंद करते, उसको जो सजा देनी थी सजा देते, ठीक है। ये किसने अधिकार दिया कि आप उसके घर पे जाके तोड़ फोड़ करें, उसको मारे पीटे, या फिर उसके साथ मारपीट करें, आप गोलीबारी करें? कौन सी नीति बता रहे थे आप, इसके पहले वाली? ठोको नीति, ये मुख्यमंत्री योगी जी की ठोको नीति है। ये ठोको नीति क्या होती है? ठोको नीति हमें नहीं मालूम भैया, मैं उत्तर प्रदेश में 22 साल हो गए छोड़े हुए, उत्तर प्रदेश 22 साल छोड़े हुए हो गए, मुझे नहीं पता। 22 साल पहले मैंने छोड़ दिया, मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में अब तो बस उतना ही पता चलता है जितनी देर में मैं यहाँ आता हूँ। लेकिन आपने एक सवाल उठाया, ठीक है, कानून ठोको नीत का मतलब ये होगा आप सीधा इनकाउंटर कर देते,
सीधा इनकाउंटर कर देते हैं। यही सहयोगी जी का कहना कि हम अपराधियों को ठोक देंगे, जहां देखो अपराधियों को ठोक दो, ठोकने का आदेश था, यहां तो पुलिस ठोकी जा रही है। तो क्या पांच कहानी दास में नहीं जाके सम्मान देंगे क्या समाजवादियों की तरीके से? कुंडों को ठोकना ही चाहिए, क्योंकि योगी जी की सरकार ने पहले ही कह दिया था कि योगी को अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश देना है। अरे महाकाल में क्यों सरेंडर करा दिया है और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं पकड़ा पाई और ना पीएम साहब पकड़ पाए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। देखिए मकान कहाँ से आ रहा है? एक सन्यासी का ही बार बार मंदिर को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। मर्यादाओं का पालन करिए, मर्यादाओं का पालन करिए। सालों में तो विकास पैदा हुआ है, अरे सालों में, अरे यादव जी काल में, यादव जी मैं बड़ा भाई हूँ आपका, छोड़े प्रतीक भाई, मर्यादाओं का पालन होना चाहिए दोनों तरफ से। और अगर आप सीट का, सीट मतलब सीट होती है कुर्सी, सम्मान नहीं करना जानते तो गलत है यादव जी, चाहे आप हो चाहे वो, सीट का सम्मान करिए। फिर वो बहस करिए, मैं बहस करने तैयार हूँ, लेकिन सीट का सम्मान करिए, चाहे आप, आपको भी मर्यादा, मर्यादा तोड़नी नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूँ, वॉर्न कर रहा हूँ मैं आपको, ना नहीं ठीक, मैं आ रहा हूँ जी। जी दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं, एक तरफ ये कह रहे थे कि हम अपराधियों का सम्मान नहीं करते हैं, सुबोध के हत्यारे जब बुलंदशहर जेल से निकले तो फूल माला लेकर के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लिंचिंग के आप आरोपियों को झारखंड में जयंत सिन्हा फूल माला लेकर के वो कर रहे थे, सारे अपराधियों का सम्मान तो ये करते हैं। और अपराधियों को पकड़ने का काम अब पुलिस का नहीं, आर के सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नेता की निजी एजेंसियों का हो गया है। मुजफ्फरपुर दंगे के अपराधी को पांच कहानी दास मार्ग पे सम्मानित किया गया था, मुजफ्फरपुर दंगे के आरोपी को समाजवादी ने यही पांच कहानी दास मार्ग पे सम्मानित किया था, उस पर जवाब नहीं देंगे। ये जो नीति है आपकी, आज आपको पता है विकास दुबे के पकड़े जाने से आपके तार अखिलेश यादव तक पहुँचेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसकी सीडीआर जारी करो, उसके फोन नंबर जारी करो भाजी, मैंने आज जांच कराओ भाजी, मैंने के प्रवक्ता के मुंह से आवाज नहीं निकली अभी तक, क्यों सीडीआर जारी नहीं करते? मैं क्यों सीडीआर सम्मान करती हो, तो सम्मान करती हो। मैंने आज अखिलेश यादव जी से उनके दफ्तर में बात करी, अखिलेश यादव जी के पास मैं गया और यही सवाल जो तुम पूछ रहे हो ये पूछ रहे हैं। मैंने पूछा, नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया सुनना जरूरी है, बहस में उसको लाना जरूरी है, वो सवाल है, मैं चाहूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता उसको ध्यान से सुने। जी अखिलेश यादव, आपके कुछ सवाल हैं, और ये भी कहा गया कि जो विकास है उसके संबंध पार्टी से भी रहे, ये सच है? समाजवादी पार्टी का सवाल सरकार से ये है कि जो सरकार झूठ फैला रही है, समाजवादी पार्टी चाहती है और मैं चाहता हूं कि कम से कम उसका सीडीआर 5 साल का जारी कर दें, पूरा खुलासा हो जाएगा, जनता जान जाएगी कि आखिरकार किस पार्टी और किस नेता से उसके संबंध थे। उसकी पत्नी ने कहा, पत्नी की समाजवादी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी है ये साजिश करने वाली पार्टी है और उनके पास बहुत सारी विकेट ट्रिक्स हैं, किसको कैसे फंसाना है, किसको कैसे बदनाम करना है। जब सरकार खुद फंस गई, कम से कम सरकार ये बताए कि वहाँ पर जो घटना हुई है क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था जिसकी वजह से ये घटना हो गई इतनी, और अगर उसके घर पे गए थे तो पुलिस ने क्यों तैयारी करके नहीं गई थी। आपके कुछ सवाल होंगे, बेसिक सवाल होंगे इस सरकार से, वो मैं जानना चाहता हूँ, खासतौर से विकास दुबे को लेकर। हमारा यही सवाल है पार्टी का, आखिरकार कौन सी ताकतें थीं या कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर था कि पुलिस को बिना तैयारी के उसके घर पर जाना पड़ा। और दूसरा ये है कि जो संबंध दूसरे दलों से बताए जा रहे हैं, कम से कम सरकार उसका सीडीआर जारी करे और सार्वजनिक करे, कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ये जाने और देखे कि आखिरकार ऐसे व्यक्ति से किस पॉलिटिकल पार्टी के संबंध थे। सीडीआर जारी करें आजी, सीधे सवाल सीडीआर जारी करिए और बताइए कैसे वहां पहुंच गया और किन कंडीशन में पुलिस वहां पहुंची थी, यही सवाल है, यही दो सवाल उनके।
उसकी गिरफ्तारी हुई है, जब क्यों नहीं जारी कर रहे? जब उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी तो कह रहे थे गिरफ्तार कब होगा, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? अब वो गिरफ्तारी अब जब उसकी गिरफ्तारी हुई है तो कह रहे कैसे गिरफ्तारी हुई है, पूरी पूरी दुनिया देख रही है कैसे उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई है, गिरफ्तारी हुई है नहीं है। और CDR भी जारी होगा, CDR भी जारी होगा, और जो कानून के हाथ हैं, जो उनके आका रहे हैं, उन तक कानून का हाथ भी पहुंचेगा। CDR न्याय प्रक्रिया नहीं है, CDR सरकार जारी कर सकती है। आपने सरेंडर करा के कोर्ट को दे दिया, अपने हाथ से निकल गया, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, चुल्लू भर पानी में डूब मर सकते हो। न्याय नहीं होता है, कोर्ट में न्याय होता है। पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि गिरफ्तार वो सरेंडर नहीं हुआ, वो गिरफ्तारी हुई है। हाँ। वो गिरफ्तारी हुई है, अचानक सिक्योरिटी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और दो पुलिस वाले, जब सरेंडर होता है बड़े बड़े माफिया इनके संरक्षण में सरेंडर किए हैं। अरे तुम अपनी बात कहो यार, अपनी बात कहो। जो सरेंडर होता है उसमें SSP रैंक के अधिकारी होते हैं, उसे सरेंडर होता है, सरेंडर किया, गिरफ्तारी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी है, दो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इतने बड़े अपराधी, इतने बड़े अपराधी हो गई जिसको छजुंदर की भाग भाग कर घूम रहा था, कहीं पता नहीं मिल रही थी। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने खौफ पैदा कर दिया था और उसको कहीं ना कहीं डर था, और आज उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस उसकी गर्दन तक पहुंच गई। उसकी गिरफ्तारी के बाद जो वहाँ कार मिला है, उस कार पे लखनऊ का नंबर है, उसमें मनोज यादव समाजवादी पार्टी का वो नेता है और दो लोगों के साथ वहाँ मौजूद था, उसका भी CDR निकलेगा, उसका भी निकलेगा जांच। वो मनोज यादव कौन था और वो मारुति ब्रेजा कार कौन थी और लखनऊ का नंबर था, वो जांच का विषय है, पूरी जांच कर रही है। उन्होंने कहा हाँ जांच का विषय, उन्होंने कहा कि कर लीजिए CDR, निकालिए निकालिए CDR, नहीं तो हमने का मना क्या निकलेगा, जो जांच में जो जरूरी होगा वो निकलेगा। मैं इसके बाद जिस मनोज यादव की ये बात कर रहे हैं वो हाईकोर्ट का वकील है और मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी है। मैं तो कह रहा हूँ मनोज यादव क्या, जितने लोगों ने 5 साल में बात की सबका नाम जारी करो। जब विकास दुबे ने खुद दो दो भाजपा विधायकों का नाम लिया है, उसकी CDR क्यों नहीं जारी करिए ना सबकी। मैं तो समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में कह रहा हूँ कि मेरी पार्टी का जो नेता है उसको आप फांसी चलाओ, अपना नाम तो लाओ, क्योंकि इनके नेताओं का नाम है, इनके लोगों की दोस्ती है, इसलिए CDR जारी नहीं कर रहे, इसलिए कॉल रिकॉर्ड जारी नहीं कर रहे, इसलिए कॉल रिकॉर्ड जारी नहीं कर रहे। प्रतीक भाई फिर से मैं आप बताता हूँ, कहते हैं ना रस्ते को भी दोष दे और आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। आज की डेट में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी पुरानी सरकारों की कमियों को गिना करके शिखंडी की तरीके से उनके पीछे क्यों छुप रही है? आप ये बताइए ना कि वर्तमान सरकार आप चलाने में असक्षम है इसलिए आप इतिहास की कमियों को सामने रख करके उनकी कमियों के पीछे छुपना चाहते हैं? देखिए मैं आप पॉलिटिकल पार्टी से हैं, आपको कहने का पूरा अख्तियार है, लेकिन एक बात तो मैं भी कह सकता हूँ, कोरोना के मामले में बेहतर सरकार ने परफॉर्म किया, इसको मानते हैं आप कि नहीं मानते हैं? मैं बताता हूँ, मैं परफॉर्म किया, बेहतर परफॉर्म किया है, उसको भी सुन लीजिए। मैं आप कहिए, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, कोरोना के मामले में भारत की सरकार के एक एक गाइडलाइन को, बदलती हुई गाइडलाइन को प्रणाम है इस जनता को, जिन्होंने एक एक चीज चाहे गलत हो चाहे सही हो माना। जनता आज की डेट में धन्यवाद की पात्र है, सरकार ने तो कमियों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। माइग्रेटेड लेबर की अगर आप बात कर ले, सड़कों पर खून पैरों में छाले, सड़कों पर खून है और पैरों में छाले है इस सरकार में, मैंने इस देखा, सरकार में। मैंने मजदूरों वाली बात कर जानता हूँ, लेकिन मैं ये घर में बैठने वाले नेता है ये सब, नहीं आराम से आराम से आराम से आराम से। यादव जी समाजवादियों को कोरोना हो गया, मदद करते करते यादव जी पीछे। मैं ये मानता हूँ, मानते मतलब सरकार ने अच्छा काम किया है, देखिए पीछे। जाकी जैसी भावना जैसी प्रभु मूर्त पूरा देखित जैसी, इनको शिखंडियों का नेतृत्व है कांग्रेस को। अब इस शब्द का इस्तेमाल ना करिए, इन्होंने इस्तेमाल किया है शिखंडियों का नेतृत्व कांग्रेस को है, तो उनको हर कोई शिखंडी दिखता है, क्योंकि इनका नेतृत्व शिखंडी है, इसीलिए इनको अगला चिन्ह दिखता है। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और है, जनता को धन्यवाद, हमने कहा जनता को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत, केंद्र में
सुशासन नहीं चल रहा है, सुशासन नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। हम सुशासन चला रहे हैं और जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, जनता को धन्यवाद। पीछे चलो, चलो पहले पीछे चलो। बाप रे बाप, कितने कितनी लड़ाई करते हैं ये। हमें लग रहा है चार महीने ये कोरोना के पीरियड में सब तैयारी कर रहे थे कि कैसे बोलना है। गजब है भाई, इतना चीखते चिल्लाते हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, शानदार। कुछ कहना हो तो जल्दी कहिए। हाँ हाँ, तवा गरम है, रोटी सेके, हम भी ऊंची ऊंची फेंके हैं। हाँ तो कुछ कुछ सुना देते। मैं तो बड़ी देर से आपकी बहस सुन रहा था। हो क्या रहा है कि जो गुंडे माफिया थे पहले, ये किसी नेता को चुनाव में लड़ाते थे, लेकिन अब ये खुद ही चुनाव लड़ने लगे हैं। अब मैंने देखा विकास दुबे का सारा पूरा परिवार सब राजनीति में, कैसे टिकट दे दिया जाता है। मैं एक व्यंग रखता हूँ, यहाँ आतंकवादी और अपराधी की चर्चा हो रही थी, यहाँ के सर्वेश अस्थाना जी की कविता है बड़ी अच्छी सी कि क्राइम कर दो, कत्ल कर दो। आपकी कविता या उनकी है? उनकी है। तो क्राइम कर रहे हो आप? अपनी सुनाओ जल्दी से। मैं सुनाता हूँ, सुनिए तो पहले। अब देखिए कि योग्यताएं क्या हो गई, ये सब लोग क्यों राजनीति का खाद, सत्ता का पानी और कानून की पोटाश लेकर के क्यों ये अमर बेल ये लगी हुई है, फल फूल रही अपराध की। जनता होशियार है, सुनाइए। सुनिएगा। हाँ कि सोचे कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का दलाल हूँ, मैं टिकट बेचने का काम करता हूँ। कविता सुनिए, व्यंग सुनिए कि जब कभी भ्रष्टाचार पर संकट आए, बेईमानी का स्खलन हो, स्वार्थ की नदी कट जाए, आप बिल्कुल मत पसीजिए, आइए हमारी लूट मार पार्टी का टिकट लीजिए। हमारी पार्टी औरों से भिन्न है, टिकट के लिए योग्यताएं निम्न है, आवेदक को सामूहिक घूसखोरी का मर्ज हो, नाम आला घोटालों में दर्ज हो, मनमोहक लुभावना फेस हो, खिलाफ में 420 का केस हो, जातिवादी दिमाग किंतु समाजवादी दिल हो, नौकरशाहों के तबादले में महारत हासिल हो, जिसका पीए विधवा पेंशन खाता हो, चपरासी के घर ठेकेदारों का कमीशन आता हो, सर कढ़ाई में हो घी में दोनों हाथ, भ्रष्टाचार करे पर सतर्कता के साथ, पाखंडी हो, बागी हो, जीवन मूल्यों का त्यागी हो, बाकी हाईकमान को पता है, इतना बता दूं श्रीमान, दल बदलू होना वांछनीय लेकिन डकैत होना अनिवार्य। ये कवियों की बात है। कैसे हो? ठीक है। ठीक हो? घर बार में सब बढ़िया? ठीक है बाजी। तो आज जो प्राण आप लोगों ने निकाले हैं वो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारा प्राण। कैसे हैं आप? आर्मी का रिटायर्ड कैप्टन। अरे तो इतनी अंगूठियां पहन ले यार। रिटायर्ड हूँ तो पहनता हूँ। हाँ तो मैं कल बात करूंगा आपसे। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।